कश्यप की दो पत्नियां दिति अदिति, दिति देवमाता, अदिति देवमाता और दिति से दानव पैदा हुए। एक ही ऋषि की दो पत्नियां अदिति देवजननी, वो इंद्रजननी है, और दिति से दक्षस पैदा हुए, हिरणाक्ष हिरणाकश्यप। मरुदगणों की भी उत्पत्ति हुई वो देव कृपा से, असमय मैथुन का संस्कार। हमारे यहां जो उत्तम कोटि का संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार बताया गया है। भले ही हम कितनी आधुनिक हो गए हों, लेकिन आज भी जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, जो मूल विज्ञान है चिकित्सा विज्ञान, जो चरक दे गए, वो आज भी उस प्रकार की शल्य क्रियाएं असंभव है जो उस प्रकार की थी, जो औषधियां अवलेह आसव सूत्र और रस। उधर न जाकर एक बात कहना चाहूंगा कि षोडश संस्कारों में संभव हो सके तो उत्तम कोटि के संस्कार के लिए हम अपने संतानों को प्रेरित करें कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक हो, उनका आहार विहार विचार ठीक हो। संतानोत्पत्ति में यह बहुत आवश्यक है कि उनमें मत्सक्यता रहे, प्रीतिवर्धन हो, उनके आहार विहार पर भी ध्यान जाना चाहिए और मुहूर्त पर। ये मेरा साहस है कहने का, बड़ा साहस जुटाकर ये मैं कह रहा हूं कि मुहूर्त विज्ञान बड़ा विज्ञान है। गर्भाधान संस्कार के लिए निषेध है भद्रा, रिक्ता तिथि, क्षय तिथि, संक्रमण काल, संध्या काल, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, प्रतिपदा। ऋतु स्नान के बाद में, ऋतु चक्र की पूर्ति के बाद, ऋतु स्नान के बाद पति पत्नी एक संस्कार करें और आह्वान करें। जब विचित्र वीर्य और चित्रांगद का अंत हो गया तो इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठे? कहां से लाए संतान? बड़ी व्याकुल विचलित सत्यवती अपने पुत्र को ही आदेशित किया उन्होंने, नरसिंह वेदव्यास को, कि मैं तेरी गुरु भी हूं, मां होने का एक अधिकार है मेरा, गुरु होने का अधिकार है। अब इस पूरे इक्ष्वाकु वंश परंपरा में, यहां हस्तिनापुर के इस साम्राज्य में मैं एकमात्र अधिकारिणी हूं, ज्येष्ठा हूं, मान्या हूं, मैं ही तो सबसे बड़ी हूं। भले ही आयु में पिता में भीष्म बड़े हों, फिर वो भी तो पुत्र ही लगता है मेरा।